नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 25 और 26 अगस्त 2022 को तिरुपति में श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा राज्यों के और जो संघ राज्य है तो उनके श्रम मंत्री और सचिवों के लिए यह जो सम्मेलन है वो आयोजित किया था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक अच्छी अपडेट सामने निकल कर आई है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो सम्मेलन संपन्न हुआ है तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो अपडेट है तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले है। तो जी इस वीडियो में ये जो पूरा डिटेल है तो हम उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के सचिव और श्रम मंत्रियों के लिए 25 और 26 अगस्त 2022 को तिरुपति में एक श्रम मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें वर्चुअल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया और सभी जो मंत्रीगण उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे तो उनको संबोधित भी किया गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो इसको लेकर नैक की जो टीम है तो वो भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंधित जो डिमांड पत्र है मेमोरेंडम है तो वो माननीय श्रम मंत्री जी को सौंपा है। माननीय श्रम मंत्री जी का जो शेड्यूल था तो वो काफी बिजी था, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह जो टीम है तो वो भी लगातार उनसे मिलने के लिए प्रयास कर रही थी। ऐसे में यहाँ पर जो बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी को ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है तो उसको लेकर जो डिमांड है, जो चार सूत्रीय मांगे है तो वो मेमोरेंडम के माध्यम से जो है वो स्वीकार करे और माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा भी अपने बिजी समय से यहाँ पर एक शेड्यूल फिक्स किया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में ये जो ज्ञापन है तो वो नैक के टीम द्वारा यहाँ पर स्वीकार किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो कौन कौन सी है। और जैसा कि सभी को अवगत है कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था तो उसके बाद भी नैक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो उनके साथ भी माननीय श्रम मंत्री जी की चर्चा हुई थी और उसी चर्चा के दौरान माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और जो बुलढाणा में पिछले 3 सालों से जो अनशन चलाया जा रहा है तो वो भी खत्म किया जाएगा और इन्हीं मांगों का जो पूरा करने का आश्वासन था तो वो माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा दिया गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर उनको कहा गया कि जल्द से जल्द ये जो मांगे है तो वो पूरी की जाए। तो दिनांक 26 अगस्त 2022 को माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को नैक तेलंगाना की अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी करवाडी जी ने नैक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश प्रतिनिधि मंडल के साथ तिरुपति में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में जो ज्ञापन है तो वो सौंपा है। नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत के दिशा निर्देशन अनुसार और दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुड़ी जी के मार्गदर्शन में दिनांक 25 और 26 अगस्त 2022 को तिरुपति में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों की मीटिंग को ध्यान में रखते हुए मीटिंग के स्थान पर केंद्रीय श्रम मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य तेलंगाना की अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी करवाड़ी जी ने नैक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ नेताओं की मीटिंग का आयोजन तिरुपति में किया था। मीटिंग में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर श्री लक्ष्मी करवाड़ी जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रियों की मीटिंग के स्थान पर ताज होटल तिरुपति पहुंची। मीटिंग के स्थान पर पुलिस प्रशासन द्वारा बंदोबस्त काफी तगड़ा था। नैक का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय श्रम मंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2022 को नैक चीफ कमांडर अशोक जी रावत को दिए गए आश्वासन को पूर्ण करने हेतु निवेदन देना चाहता था। नैक के प्रतिनिधि मंडल मीटिंग के स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपने हेतु इंतजार कर रहे थे। यह खबर जैसे ही प्रसारित हुई तभी नैक के प्रतिभाशाली नेताओं ने माननीय श्रम मंत्री जी को ट्वीट पर संदेश भेजना शुरू कर दिया।
तो जी हाँ, यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री जी को जो ट्विटर पर संदेश भेजना शुरू कर दिया था, तो उसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को जो मुद्दा है, तो उससे संबंधित जो ज्ञापन है, तो वो माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी द्वारा स्वीकारा गया। इस बीच माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी माननीय महोदय ने श्रीमती लक्ष्मी करवार जी और चित्तूर जिले के जिला सचिव श्री पी आर बाबू द्वारा दिए गए निवेदन को स्वीकारा और प्रतिनिधि मंडल की बात भी सुनी है। प्रतिनिधि मंडल में न्यायिक नेता शेख बादशाह, श्री लोकनाथ, श्री जगन्नाथ रेड्डी और श्री श्रीनिवास सुलू भी उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपते समय फोटो निकालना न्यायिक की टीम को संभव नहीं हुआ है, पर जो भी हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टीम द्वारा ये जो एक बड़ा प्रयास किया गया, जो कि सफल प्रयास रहा, तो उसके लिए सभी के द्वारा उनका अभिनंदन भी किया गया है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए, उसी के साथ पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुसार जो आदेश पारित किया गया है, तो उच्च पेंशन का लाभ भी दिया जाए और जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था, तो उन्हें भी शामिल करके 5,000 रुपए की पेंशन का भुगतान किया जाए। ये जो 4 सूत्रीय डिमांड से, तो उनको लेकर यहाँ पर ये जो श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 25 और 26 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ है, तो उसमें माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन है, डिमांड से लेकर जो यहाँ पर मेमोरेंडम है, तो वो यहाँ पर सौंपा गया है और माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा जो भी प्रतिनिधि मंडल की यहाँ पर बातें थी, तो वो काफी अच्छी तरह से सुनी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया है कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है। तो जी, आज के स्टूडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो एक अच्छी खबर थी, तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो जानकारी आप सभी को दी गई है, तो अच्छी लगी होगी। साथ ही नैक की टीम को मैं मेरा सपोर्ट भी करता हूँ और उनके यह जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उनकी सराहना भी करते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, साथ ही नैक की टीम के लिए एक कमेंट भी करते चलिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही अपडेट मुझे आपको देना था। मिलते हैं अगले एक और नई और फ्रेश अपडेट में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा, तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है, वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।